हाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नवीर है। आपने रिलीज किया iOS 7 का डेवलपर बेटा 5। अब जिनके पास डेवलपर बेटा प्रोफाइल चल रहा है या डेवलपर बेटा चल रहा है, उनको ये वाला अपडेट जो है देखने मिलेगा। ये अपडेट में क्या कुछ खास है, अपडेट साइज कितना है, क्या आपको ये अपडेट इंस्टॉल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। और पब्लिक बेटा 3 कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या है वो, आया नहीं आया, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो शुरू करने के पहले ये केस आपको बताता हूँ, बहुत लोग केस में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। ये केस फिलहाल मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसका ब्रांड नेम कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका लुक कैसा है इसके बारे में कमेंट में बताना मुझे। और इसका वीडियो जो है मैं सभी आईफोन्स के लिए जो भी इनके केसेस है वो जल्दी बनाने वाला हूं। और इसके अंदर एक खास बात ये है कि इसके अंदर ये जो मैगसेफ वाला केस है, ये मैगसेफ वाली जो रिंग है, ये एक्चुअल में जो एप्पल के केसेस होते हैं मैगसेफ वाले, उनकी तरह ही काम करती है। तो यहां पे अगर मैं अपने फोन को इसके अंदर डालूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैगसेफ वाला एनिमेशन आ जाता है। तो ये जनरली हमको राइनो शील्ड वगैरह के केसेस में भी देखने नहीं मिलता है। तो ये केस के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में बताना, फिर इसकी वीडियो जो है जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश आप लोगों के लिए करूंगा। तो iOS 17 डेवलपर बेटा 5 इसका जो अपडेट साइज है 1.1 GB के आसपास है, थोड़ा सा बड़े साइड पे ही है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अपडेट से पहले iOS 17 तो अपडेट का वर्जन रहता ही है, iOS वर्जन रहता ही है, लेकिन बिल्ड नंबर चेंज होता रहता है बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 में। तो यहाँ पे वो सारी चीजें चेक करेंगे। और अवेलेबल फ्री स्पेस जो था अपडेट से पहले का वो था 679.57 GB का मेरे 14 प्रो मैक्स में। अपडेट के पहले का जो बिल्ड नंबर है उसके एंड में जे था, और अपडेट के पहले का जो मोडेम फर्मवेयर नंबर था वो था 2.06.01। अपडेट से पहले ही जो मेरी बैटरी हेल्थ है वो 94% से 93% पे आ गई थी। तो अगर मैं चेक नहीं करता तो अपडेट के बाद मैं अपडेट के ऊपर ब्लेम कर देता। तो आगे भी चेक करेंगे कि अपडेट के बाद कितनी है। और अपडेट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवेलेबल फ्री स्पेस जो है ये अराउंड 5-6 GB के आसपास जो है कम हो चुकी है, 7 GB के आसपास कम हो चुकी है, 672 GB यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस है। और अपडेट के बाद आपको एक नया मोडेम फर्मवेयर भी देखने मिलता है जो कि है 2.08.01। और अपडेट के बाद का जो बिल्ड नंबर है उसके एंड में डी है, डी के बाद जो है सी बी ए और उसके बाद फाइनल स्टेबल वर्जन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी एक ही महीना है नए आईफोन्स को लॉन्च होने में। अब यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर क्या कुछ नया है वो एक एक करके हम चेकआउट कर लेते। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आई है वो आई है सेटिंग्स के अंदर। आप आईफोन स्टोरेज में चले जाएंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे शो ऑल देखने मिलता है आपको, और इसके अंदर एक नई चीज देखने मिलती है जो कि इसके अंदर सबसे लास्ट में आपको देखने मिली है। बहुत सारे ऐप्स है इसलिए इतना सारा दिखा रहा है, सिंक कंटेंट करके यहाँ पे एक चीज आपको देखने मिल जाती है, और इसके अंदर आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा फिलहाल। तो फ्यूचर में इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें आपको और स्टोरेज का साइज वगैरह जो है देखने मिलेगा। मीडिया कंटेंट सिंक्रोनाइज्ड फ्रॉम योर कंप्यूटर करके लिखा है, तो जब आईफोन को आप सिंक करते हो अपने पीसी के साथ, लैपटॉप के साथ, मैक के साथ, तो वहां पे सिंक्रोनाइज करने पे जो भी स्टोरेज आपके फोन में ऑक्यूपाई किया जाता है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो ये न्यू चीज एक ऐड हुई है। अगली चीज जो न्यू आई है वो आई है शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं ऑटोमेशन में जाते हैं, और यहाँ पे एक नया पर्सनल ऑटोमेशन जब आप बनाते हो इसके अंदर ये वाला जो सेक्शन होता है अराइव लीव वाला, इसके अंदर जब आप अराइव में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने मिलता है, रन आफ्टर कॉन्फर्मेशन या फिर रन इमीडिएटली वाला। तो ये एक नया ऑप्शन है जो पहले नहीं था, अभी ऐड किया एप्पल ने। हेल्थ ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया स्प्लैश स्क्रीन देखने मिलेगा, फिर से ये सारी चीजें पूछेगा, शेयर माय डेटा विद एप्पल या डोंट शेयर। और हेल्थ ट्रैकिंग के अंदर अगर आप जाएंगे मेंटल वेलबींग के अंदर, और इसमें जब आप अपना स्टेट ऑफ माइंड लॉग इन करते हो तो यहाँ पे आपको स्लाइड चेंज देखने मिलेगा। हर बार एप्पल कुछ ना कुछ चेंज करते रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिक्चर है ऊपर की वो चेंज हो गई है। नेक्स्ट करके देखते हैं कुछ चेंजेस आए हैं क्या, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है कुछ चेंज नहीं है, कैसा फील कर रहे हो क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए तो ये लॉग्ड हो गया। स्लाइटली कलर का थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, लेकिन जो मेन पेज था उसके अंदर डिफरेंस है। सेटिंग्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी में पुराने बेटा वर्जन और नए बेटा वर्जन के अंदर आपको दो चीज चेंज दिखेगी। यहाँ पे वॉइस कंट्रोल के लिए आप देख सकते हैं नया आइकन जो है आपको देखने मिल रहा है, और नीचे आने पे यहाँ पे आपको असिस्टिव एक्सेस के लिए भी नया आइकन देखने मिल रहा है। तो काफी सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है एप्पल आइकन्स के कलर्स के साथ और उनके डिजाइन के साथ। कंट्रोल सेंटर में अगर आप जाते हैं तो फ्लैश लाइट का भी आइकन जो है स्लाइटली चेंज है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन छोटा मोटा चेंज यहाँ पे भी किया है, थोड़ी सी मोटी हो गई है फ्लैश लाइट पहले से। वॉलपेपर सेक्शन में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा पोजिशनिंग के अंदर चेंजेस किए हुए है कि पहले कलेक्शन, उसके बाद यहाँ पे कलरस्कोप है, यहाँ पे यूनिटी है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस जो है एप्पल कर रहा है सब जगह पे। स्पॉटलाइट सर्च के अंदर अगर हम टाइमर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप सेट टाइमर के अंदर जाके जो ड्यूरेशन है उसको मिनट से आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्यूरेशन में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 50 आवर्स और डन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 50 आवर्स का टाइमर जो है वो शुरू हो जाएगा। एप्पल का जो टिप्स एप्लीकेशन है वो पुराने और नए बेटा में साथ साथ खोल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप चेकलिस्ट करके आपको दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये व्हाट्स न्यू वाला जो है सेक्शन है, लेकिन वो लोड भी नहीं हुआ ठीक से पुराने बेटा के अंदर। एनीवेज यहाँ पे ये चेंज है कि यहाँ पे आपको सेटअप चेकलिस्ट मिलेगी और यहाँ पे व्हाट्स न्यू। बेटा 5 के जो
रिलीज नोट्स है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। आई 17 डेवलपर बेटा 5 के रिलीज नोट्स ये आपके सामने रहे। नोन इश्यूज जो है काफी सारे इसके अंदर भी है, लेकिन पहले के मुकाबले आपको कम देखने मिलेंगे। तो बग्स अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे एप्पल उसको सुधारते जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइसेज विद अ लार्ज नंबर ऑफ एप्स विद डिस्प्ले एंड एप्पल लोगो विद प्रोग्रेस बार फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन अगर आपके फोन में है तो वो एप्पल लोगो आ जाएगा, एक प्रोग्रेस बार आएगा, ये सब प्रॉब्लम होता है, ग्लिचेज है ये, और ये आपको जो है झेलना पड़ेगा क्योंकि बेटा वर्जन है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्पेशल से रिलेटेड जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसके बाद नीचे आएंगे तो नोन इश्यूज के अंदर वॉइस ओवर के अंदर प्रॉब्लम है, उसका वर्क अराउंड बता रहा है एप्पल, और नोन इश्यूज के अंदर क्लासरूम सेटअप के अंदर प्रॉब्लम है, एयरड्रॉप के अंदर प्रॉब्लम है, आईपैड के अंदर जो है एयरड्रॉप के अंदर इशू है, एयरप्ले के अंदर आपको इशू देखने मिलेगा, एयरपॉड्स के नए फीचर्स के अंदर भी आपको इशू देखने मिलेगा। इसी जैसे और काफी सारे छोटे मोटे बग्स जो है आपको इस बीटा वर्जन के अंदर भी देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पे स्टोरेज बग की बात करें थी, क्योंकि हमारा स्टोरेज जो है पहले के मुकाबले कम हो गया है, तो लगता है स्टोरेज बग यहाँ पे है। अगर आपने नोटिस किया होगा इसके पहले आईफोन स्टोरेज जब मैंने आपको दिखाया था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिस्टम डेटा जो है थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो स्टोरेज बग एग्जैक्टली नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हायर सिस्टम डेटा यूजेज जो है इस वाले अपडेट में मुझे देखने मिला है, और वो 33.33 GB है जो वन ऑफ द हाईएस्ट है। मतलब पिछले दिनों में जितने से मैंने बीटा इंस्टॉल किया तब से 20 GB 25 GB के आसपास था, लेकिन आज जो है इसने हद पार कर दी। तो ये चीज का भी आप ध्यान रखना अगर आप अपडेट कर रहे हो ये वाला। तो परफॉर्मेंस की बात करें अगर जनरल, तो ठीक है, कोई इशू इतना नहीं है, कुछ एप्स वगैरह है जो क्रैश होते रहते हैं, तो एप डेवलपर्स का भी काम है कि उसको ठीक करे। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई अमाउंट डालू और रेट ऑफ GST नहीं चूज करके मैं सबट्रैक्ट GST पे क्लिक करता हूँ, सीधा बाहर निकल जाता है, तो ये एक बग है जो कि ऐप से रिलेटेड है। अब यहीं पे मैं कुछ अमाउंट डाल देता हूँ, ये GST कैलकुलेटर जैसे एक ऐप होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऐसा हो रहा है, और अमाउंट डालने के बाद अगर मैं रेट ऑफ GST चूज करूँ 18% और सबट्रैक्ट करूँ तो ये मुझे आंसर दिखा देगा। तो इस टाइप के बग्स आपको देखने मिल सकते हैं। अब ये ऐप रिलेटेड बग भी हो सकता है, iOS 17 से रिलेटेड बग भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये सारी चीजों के थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं बेंचमार्क्स की, तो बेंचमार्क्स के लिए हम जो है गीकबेंच का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्कोर निकाल लिया है ताकि आपका टाइम मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो हिस्ट्री में लेके चलता हूँ आपको। तो पिछला अपडेट जो आया था वो 1 अगस्त को आया था, 1891540, और आज का स्कोर है 1906542। तो ठीक है, जैसा था वैसे ही स्कोर है। और अगर हम GPU के स्कोर की बात करें, कंप्यूटेशनल बेंचमार्क्स की बात करें, तो 1 अगस्त का था 15711 और आज है 15675, तो वही 19-20 का फर्क है। यहाँ पे जितना स्कोर था वैसे ही आपको देखने मिलेगा इस बार भी। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई शिकायत तो नहीं है। नेटवर्क और बैटरी की बात करें तो नेटवर्क के अंदर कोई इशू नहीं आया, वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप, सेलुलर डेटा सारी चीजें मैंने इस्तेमाल करके देख ली, क्योंकि अपडेट रात में आई थी, मैं आज शाम में वीडियो बना रहा हूं। रही बात बैटरी की, तो बैटरी ड्रेन ज्यादा है इस अपडेट के अंदर। अपडेट किया जब मैंने तब 100% पे थी, और उसके बाद जो है गिरते गिरते अभी 4 बजा है 60% पे आ गई। तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हम 14 Pro Max से। अभी एंड्रॉइड का फोन तो है नहीं कि धड़ाधड़ बैटरी इसकी उतरती जाए, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेड है या जितनी iOS 16 में हमको मिलती है उतनी यहाँ पे नहीं है। लेकिन 17 का फाइनल स्टेबल वर्जन आते आते जो है वो हो जाएगी। बैटरी हेल्थ जो है 93 पे ही है, जो 93 थी अपडेट से पहले, तो इस अपडेट में मैं उसके बारे में ब्लेम नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं 7:15 जो है मैंने इसको 100% चार्ज करके हटा दिया था, और उसके बाद जो बैटरी है वो यहाँ पे इस तरीके से ड्रेन हुई है। अभी शाम के 4 बजे है 60% अभी बैटरी उतरी है, तो कल सुबह तक चल जाएगा। 24 आवर्स की बैटरी देती है, लेकिन पहले जो है डेढ़ दिन की बैटरी लाइफ हमको निकल के इससे मिलती थी 14 Pro Max से, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, कैमरा भी इस्तेमाल किया, इनफैक्ट कैमरा मुझसे ऑन रह गया था, तो एक वो कंसिडर कर सकता हूँ कि हाँ उस वजह से थोड़ा एक्सेसिव बैटरी ड्रेन हुआ है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब यहाँ पे अगर पब्लिक बीटा की बात करें कि वो कब रिलीज हो सकता है, तो बहुत जल्दी हो सकता है अगर एप्पल कोई री रिलीज जो है इसका ना पुश कर दे। तो ये अगर बेटा 5 है हमारे पास, री रिलीज नहीं आता है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके आप चेक करेंगे, पब्लिक बेटा 3 जो है आपको देखने मिलेगा, अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक बेटा प्रोफाइल, या फिर पब्लिक बेटा जो है यहाँ से मैंने चूज करके रखा है प्रोफाइल, तो अभी डालने की जरूरत नहीं है। और ये iOS 17.0 पे लेटेस्ट पे अपडेट है बता रहा, मतलब बेटा 2 पे, बेटा 3 आएगा तब आप अपडेट कर सकते हैं। अब आपको क्या ये वाला अपडेट जो है ये डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मेरी राय ये है कि अगर आप बेटा 4 पे हो तो कर लीजिए, क्योंकि बेटा 4 में भी हीटिंग और बैटरी ड्रेन काफी हो रही थी, तो उससे थोड़ा बेटर साइड पे ही है ये अपडेट। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे स्टोरेज वगैरह और ऐप क्रैशिंग उतना नहीं है, एक दो गिने चुने ऐप्स ही क्रैश होते हैं। तो यही था दोस्तों iOS 17 बेटा 5 और इसमें आने वाले नए फीचर्स, इस अपडेट में क्या कुछ नया था, क्या कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इस सब बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको अगर कोई चीज मिलती है नहीं तो वो भी आप नीचे लिख के बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप फेस करें तो बता सकते हैं, इस अपडेट पे आप हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, ये भी आप नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और मैं भी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।